हम WCC 2 कर देते हैं, लेकिन अब आज से 22 खेलेंगे। अपडेट हो गया तुम्हारा भाई, फोन ले लिया नया वाला, तब पोको का शायद एक्स सीरीज खरीदा है गेमिंग वाला, नाम तो नहीं आता बाकी आपको, पोको की सीरीज है ये गाइस। तो दिस वन न्यू फोन, इसमें RC22 मस्त चलेगा एकदम मखमल की तरह, जीत के बाद लेना ही बनता ही है ना गाइस। तो भाई बैटिंग लेते हुए भाई, मैं सुना इस गेम की ग्राफिक और उसकी बाकी चीज़ें बहुत अच्छी है, तो आप देखते हैं इसका क्या कैसा है। भाई गुरबाज इंजरी के बाद आ चुका है मैच में वापस से लौट के, और बढ़िया से खेलना, मतलब जो टेक्निक और ये सब है। पहला है पथिराना का ओवर, सामने गुरबाज पहली बॉल आएगी, और पहली बॉल कौन से स्टाइल पे डालते हैं ये देखना। तो पहली बॉल आएगी इन चिंगा, ये बढ़िया गुरबाज का अच्छा एक शॉट ऑफ साइड की ओर, दो रन के साथ खाता खुलता हमारी टीम का। बोटा शॉट एक, अरे मिसफील्ड, तो इसी साथ दो रन गाइस, हमें एक रन फ्री में मिलता हुआ, और फ्री की चार तो कोई नहीं छोड़ता। मैं भी पतराना गुरबाज पास को बात करते हैं, ओ व्हाट अ बॉल बाय गुरबाज। पतराना यार बच गया गुरबाज, तो ओ बढ़िया फिर में 3-4 बस 4 रन ले लिए हमने। लेट थ्रो के बाद 4 रन मिलता हुआ, वाइड बॉल वाटा शॉट बाय गुरबाज, क्या शॉट मारा गाइस, कमाल। तो गाइस लीडर रेट थोड़ा बहुत ऐड आ गए थे, और आपका भाई वापस है गाइस। तो पहले ओवर में अच्छी शुरुआत 12 रन से होती है, लहिरू कुमारा सामने हजमतुल्ला जजई, ओ व्हाट अ बॉल, लौटा शॉट जजई दो रन बाय हजमतुल्ला जजई। हजमतुल्ला जजई एक और फोर, जबरदस्त बैटिंग चलती है इसी के साथ, जजई का एक और जबरदस्त शॉट 4 रन के साथ। बढ़िया बैटिंग,
हो काट चौका क्या शॉट बात में तो लग गई out. Muhammad Nabi. Running between the wickets. Up in the air. But that two, three, four. Garbar 10 running between. अरे कभी एक और run हो जाता है यार. Overthrow का भी run दे देते हैं ये लोग. चार run में मिलता हुआ. बढ़िया बढ़िया उल्टा बॉल थी बढ़िया दो रन तो गाइस इसे आपका मैच स्कोर बोर्ड है 30 विकेट हस्मतुल्लाह रही सामने मोहम्मद नबी बॉलिंग एम्पर तो गायत फिर आ गए हैं लहिद कुमारा सामने मोहम्मद नबी तो पहली बार नबी को अरे पहली ही बॉल पर नबी ने दे दिया है दो रन पहली बॉल पर दो रन आते हैं नबी के बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट 10 का रन रेट चलता हुआ हमारा अरे भाई कहाँ अंदर आ गई चल गई कोई बात नहीं गाइस एक और शॉट दिखाना पड़ेगा हमें ऑफ स्टंप पे निकल के अबे भाई बहुत अच्छी बॉलिंग बहुत अच्छी भाई लहिर को मारा लहिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है Well placed into the gap, possible two. And team will come actually a little bit. Nice throw straight to the top of the stumps. There is a little bit of the surface for the bowlers. Lots of good for batting.
लोकेशन दे तो गाय गोरिया ही पैक भाई तो अब आ गया फिर से पथिराना ओए होए 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 मामी व्हाट अ शॉट दो तीन चार रन तो आराम से रोकेगा भी ना व्हाट अ फील्डिंग बढ़िया रोका है तीन ही रन मिले हमें इस बॉल पे हाथों में तिल्ला तो सही ऐसे से कॉल कर लेता हूँ हाथ में तिल्ला तो सही इसमें तिल्ला सात रन इसमें तिल्ला सात रन बॉलिंग टू द स्ट्राइक इन टू द स्ट्राइक और रे व्हाट अ बॉलिंग क्या आज लगाया गाइस ये भाई क्या आज लगा बॉल आई इनटू द स्टंप ये ओ भाई आज तो ये आउट हो गया ये तो नहीं आ रहा ये बढ़िया शॉट है और तो रन भी बढ़िया ही नहीं बनेंगे जबरदस्त शॉट आ पाया आ चुके हैं गाइस हम वापस गाइस इसी के साथ हो चुका है 9 ओवर इस टू गुड अ प्लेयर नॉट टू टेक इट यू गाने ने तुम के लोग साथ रहा अरे मिसफील्ड भाई क्या मिस फील्ड किए इसने बॉल आई बढ़िया था एक रन मिलना चाहिए था पर इधर देते चार रन बहुत ज़्यादा बॉल आई हाथ से छोड़ दी और इधर चार रन डंडे डीप में ताले का तो अब चला है 14 ओवर राशिद खान to reach for the ball to collect it
भाई रशीद इन द स्ट्राइक தீக்ஷனா சாமி அகில் ரஷீத் வாட் அ ஷாட் ये देखो अठारह ओवर
132 पर 5 आखिरी 12 गेंदे। मनिंदु हसरंगा का एक ओवर बचा, मधुशन और कसुन में से अब एक ही शायद अपने ओवर पूरे करेगा अगर मनिंदु हसरंगा अपना चौथा डालते हैं तो। मुझे नहीं लगता है डलवाएंगे, क्योंकि सामने अगर नाबी और राशिद हो तो कोशिश यही होगी शनका की कि दोनों ही छोर से तेज गेंदबाजी का इस्तेमाल करें। वहां पर दो ओवर्स उपलब्ध भी है उनके पास, कसुन और प्रमोद मधुशन के। इनसाइड आउट, ओवर कवर्स, वन बाउंस, दो बाउंसेस, हो गया चौका। राशिद खान, स्टेनिस खान, शानदार शॉट ये राशिद खान का, इस लेंथ के ऊपर बढ़िया तरीके से प्रहार करते हैं, क्रीज के अंदर जाते हैं और फिर अपने बैट स्विंग का बहुत गजब तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बहुत फास्ट हैंड्स हैं इनके, ज़्यादा बैकलिफ्ट है नहीं, अगर जब इम्पैक्ट होता है तो उनके हाथ बहुत तेज़ी से वो शॉट के थ्रू निकलते हैं। लेंथ भी ढूंढना होगा राशिद के खिलाफ रजिता को, वो फुलर लेंथ पे बहुत रन बनाएंगे, अगर बैक ऑफ लेंथ रहेंगे तो वहाँ पर ज़रूर कठिनाइयाँ पेश कर सकते हैं। एक और कैच छूटा तो हाल है दो के टिक्का ना हो जाए कहीं, आप ओवर रेट में भी पीछे चल रहे हैं, 8 ओवर की स्पिन के बावजूद आप पीछे चल रहे हैं। कुशल थोड़ा और उछल पकड़ना चाहिए था, जो टाइमिंग थी बहुत अहम बन जाती है ऐसे कैच के लिए। और पैर लेग का फील्डर पीछे लेके अटैक करे वहां पर आउट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो रजिता जिनके पास गति नहीं है, अभी आप देख रहे हैं थर्ड मैन को ऊपर लाया गया, मतलब और बॉल या फिर वाइडर यॉर्कर का प्रेस पोजीशन बहुत ही खराब तरह से कैच लेने की तकनीक होती है। जो कैच मेरी ओर देख तो रहा होता है लेकिन आपका ध्यान मेरे तो इतना तो खो जाता कि आप न चाहते हुए ध्यान पहले हो जाते। मुझे